देवेंद्र जी, जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है और वो नरेंद्र मोदी जो के खिलाफ जो एकजुट हो रहा है, नरेंद्र मोदी एक हाथ में भगवा एजेंडा और दूसरे हाथ में विकास का एजेंडा लेकर निकले हैं, लेकिन मोदी को हराने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी से अनबन सामने आ रही है। राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे कि जब तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं होता हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कल वो लोग जा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन दक्षिण मुंबई की सीट को लेकर ही कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है। आपको लगता है कि ये अलायंस बनेगा, इसका अस्तित्व क्या होगा और ये टक्कर दे पाएगा नरेंद्र मोदी को? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी अपने हाथ में और अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखते हैं और वो है भारत का संविधान। और ये संविधान उनको ताकत देता है गरीबों की सेवा करने का, और भारत का जो वजूद है, भारत की जो अस्मिता है, उसको प्रस्थापित करने का, और उसका ही इस्तेमाल वो करते हैं। और जहाँ तक ये इंडिया अलायंस है, कोई अलायंस है ही नहीं। थोड़ा इधर से तोड़ा, थोड़ा उधर से तोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा जो अपन कहते हैं, उस प्रकार के ये लोग साथ में आए हैं लेकिन साथ में नहीं है। पंजाब में साथ में नहीं रह सकते, ये दिल्ली में साथ में नहीं रह सकते। ममता जी कहते हैं मुझे कम्युनिस्ट नहीं चाहिए, सारी रीजनल पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी तो हमारी वोट बैंक में सेंध लगेगी, ये साथ में नहीं रह सकते। देखिए, इनको साथ में लाने वाली एक ही बात है, और वो बात यह है कि परिवारवादी पार्टियों को लगता है कि अपना जो परिवार का दुकान है, मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो बंद हो जाएगा। वो कहते हैं कि बीजेपी के साथी है ईडी, सीबीआई और एजेंसीज, और यही इसी वजह से वो लोगों को डराते हैं, पार्टियां फोड़ते हैं, सरकार गिराते हैं। और जो विपक्षी है, चाहे ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल से लेकर ठाकरे परिवार से लेकर पवार परिवार से, सबको इसका इस्तेमाल करा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, और ये उनका एक साथी है, इसी के बल पे चुनाव जीतते हैं। पहली बात तो यह है कि देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में कोर्ट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है। अगर कोई गलत इस्तेमाल होगा तो कोर्ट बात करेगा, कोर्ट जांच करेगा, कोर्ट उसके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास करेगा। आज इतनी बड़े पैमाने पर जहाँ भी कार्रवाई हुई है, ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज मिली है, इतना पैसा मिला है, इतना काला धन मिला है, इतना मनी लॉन्ड्रिंग मिला है, कहाँ से आया ये? क्या आप राजनीति के पीछे छुप जाओगे और अपने सारे गोरख धंधों को समाप्त कर दोगे? ऐसा नहीं होता है।